आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, आवर दिस क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामैग्नेटिक। इस क्वेश्चन में हमें चार मॉलिक्यूल्स गिवन है, O2, N2 प्लस, B2 एंड O2 2 माइनस। हमसे इसमें पूछे कि कौन सा हमारा सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक नहीं है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते क्या है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। तो अब हमें बताने के लिए इस समय से कौन सा हमारा मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक नहीं है, तो हमें पहले उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, एंड देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन देख के हम बता सकते हैं कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक नहीं है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखने का क्या रूल होता है? पहले हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं उस मॉलिक्यूल में, देन हमारे पास एक एनर्जी लेवल होता है। अगर हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी अप टू 14 इलेक्ट्रॉन होता है, तब हमारा एनर्जी लेवल ये होता है σ1s लेस देन σ*1s लेस देन σ2s लेस देन σ*2s लेस देन π2px, 2px इज इक्वल टू π2py लेस देन σ2pz लेस देन π*2px, π*2px इक्वल टू π*2py लेस देन σ*2pz, ठीक है। और अगर हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स है, 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, तब हमारा एनर्जी लेवल क्या होता है? σ1s लेस देन σ*1s लेस देन σ2s लेस देन σ*2s लेस देन σ2pz लेस देन π2px इक्वल टू π2py लेस देन π*2px इक्वल टू π*2py लेस देन σ*2pz। ये हमारा एनर्जी लेवल होता है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे, देन एनर्जी लेवल देखेंगे, एंड उस एनर्जी लेवल के बेसिस पे हम हर एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, एंड देन डिटरमाइन करेंगे कौन सा मॉलिक्यूल हमारा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक नहीं है। तो फर्स्ट हमें क्या गिवन है? O2, ठीक है। एक ऑक्सीजन एटम में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दो ऑक्सीजन एटम में कितने हो जाएंगे? 2 × 8 16 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 16 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये एनर्जी लेवल होता है। तो ये एनर्जी लेवल देख के इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? σ1s2 σ*1s2 σ2s2 σ*2s2 σ2pz2 π2px2 π2px2 π2py2 π*2px1 एंड π*2py1। ये हमारे इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें तो इसमें इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एंड जिसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। तो O2 हमारा कैसा है? पैरामैग्नेटिक है। O2 हमारा पैरामैग्नेटिक है। नेक्स्ट, अब हमें क्या गिवन है? नेक्स्ट हमें गिवन है सेकेंड नंबर पे N2 प्लस। एक नाइट्रोजन एटम में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दो नाइट्रोजन एटम में कितने हो जाएंगे? 7 × 2 14 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे N2 पे प्लस साइन है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ, तो N2 प्लस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 13 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन है, तो लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए ये एनर्जी लेवल होता है। तो ये एनर्जी लेवल कंसिडर करके इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? σ1s2 σ*1s2 σ2s2 σ*2s2 π2px2 π2px2 π2py2 एंड σ2pz
वन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मॉलिक्यूलर वाइटल कॉन्फ़िगरेशन एन टू प्लस का। एंड हम देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वाइटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन टू प्लस में हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये भी हमारा कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें क्या गिवन है, थर्ड हमें गिवन है बी टू। बी टू एक बोरोन एटम है, हमारे पास पांच इलेक्ट्रॉन्स हो, फाइव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दो बोरोन एटम में कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 10। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बी टू इज 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन, अब हमारे ये 10 इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन है, तो लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका एनर्जी लेवल ये रहेगा, तो इस एनर्जी लेवल के बेसिस पे इसका मॉलिक्यूलर वाइटल कॉन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px1 एंड पाई 2py1। बी टू के मॉलिक्यूलर वाइटल कॉन्फिग्रेशन में भी हमारे पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये भी हमारा कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। लास्ट अब हमें क्या गिवन है, O2 2-, लास्ट में हमें क्या गिवन है, O2 2-, फोर्थ है हमारा O2 2-। एक ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दो ऑक्सीजन एटम में 2 × 8 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन अब इसके ऊपर 2- चार्ज है, 2- चार्ज मतलब इसके ऊपर दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 16 + 2 = 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए ये एनर्जी लेवल डायग्राम होता है, तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम देखते हुए इसका मॉलिक्यूलर वाइटल कॉन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 पाई सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 पाई 2py2 पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2py। ये हमारा मॉलिक्यूलर वाइटल कॉन्फ़िगरेशन हो गया O2 2- का, और हम देख सकते हैं कि इस मॉलिक्यूलर और वाइटल कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस नहीं है, तो हमारा O2 2- कैसा हो गया, ये हमारा पैरामैग्नेटिक नहीं है, ये हमारा डायामैग्नेटिक है, क्योंकि जो सब्सटेंस के पास कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो हमारे डायामैग्नेटिक हो जाते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामैग्नेटिक, O2 2- इज नॉट पैरामैग्नेटिक, इट्स डायामैग्नेटिक। Hence, option 4 is the correct option and the required answer for this question. Thanks for watching. Class 6 to 12 से लेके NEET, IIT, JEE, mains और advanced के level तक 10 million से ज़्यादा students का भरोसा। आज ही download करें DoubtNet app या WhatsApp कीजिए अपने doubts 8400400400 पर।